हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राम थापा और आज आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही यूनिक और डायनेमिक फंक्शन, यूनिक डाटा कैसे निकालते हैं। ओके, आपको डुप्लीकेट वैल्यू तो पता चल गया लास्ट वीडियो मेरा, है ना। डुप्लीकेट वैल्यू में से यूनिक को कैसे निकाले, एक तो फंक्शन के थ्रू है, एक तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू है। अब हम डायनेमिक फंक्शन बनाएंगे ताकि आप पूरे डेटा, एक आपका इस तरह का डेटा रहेगा कि उसमें डुप्लीकेट होगा तो इधर यूनिक बन के निकलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अगर नाम डाल रहा हूं, ठीक है, राम। ओके, राम को अगर मैं 5 बार भी डाल देता हूँ, जितनी बार भी डाल दू फिर भी यह यूनिक एक ही आ रहा है, देखिए। ओके, अगर मैं एक श्याम डालू तो ये यूनिक हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तीसरा जदू डाल दिया तो भी आ गया, जदू को मैं अगर कॉपी करूँ और भी दे दू तो सिंगल जदू ही रहेगा। तो बड़े मजे का चीज है ये, एक बार ही बनाना है आपको, एक बार फंक्शन बनाने के बाद आप यूज करते रहिए, क्योंकि मैं भी हमेशा यूज करते रहता हूँ इसी को बना के। चलिए मैं बताता हूँ अब इसको कैसे बनाना कैसे। ओके, तो ये फंक्शन थोड़ा एडवांस लेवल का है, जो कि जिसको थोड़ा एक्सेल में थोड़ा कुछ फंक्शन के बारे में कुछ नॉलेज होगा वही कर सकता है, बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ये वीडियो, ठीक है। तो बिगिनर्स क्या कर सकते हैं कि मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा या यहीं पे ओपन आपको कमांड दे दूंगा ताकि आपको इजी रहेगा उसको देख देख के आप टाइप करके लिख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा बनाते हैं यहाँ पे, सपोज राम श्याम जदू मधु, ठीक है। मधु को मैं कई बार टाइप कर दूंगा, राम को कई बार टाइप कर दूंगा, है ना। तो इस तरह का आपका डाटा है, ठीक है। मैं इसको अगर डुप्लीकेट फंक्शन लगा दूंगा तो देखिए सारा काफी डुप्लीकेट्स है, यहाँ अमर डाल देता हूँ। ओके, अब हमें यही डाटा को हमें यहाँ पे यूएनआई यूनिक यूनिक डाटा हमें यहाँ पे चाहिए। ओके, तो करना है कैसे, तो मैं अभी आपको फंक्शन लगा के दिखाऊंगा। तो इसमें फंक्शन वही होगा जो काउंटिव का फंक्शन जो लगता है, मेनली वही फंक्शन यूज होगा इसमें, प्लस और भी कई तरह के फंक्शन यूज होंगे इंडेक्स से लेके। तो आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके बताऊंगा मैं, आप सीख सकते हो उस चीज को कैसे करना है। ओके, तो हमें इसके लिए सबसे पहले एक हमें हेल्पर कॉलम लेना पड़ेगा, ठीक है। हेल्पर कॉलम में अब भाई मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको, जूम कर रहा हूँ थोड़ा। ओके, अब करना क्या है, वही फंक्शन सेम लगाना है, इज इक्वल टू काउंट इफ रैंक सेलेक्ट ए टू, ठीक है। पहला ए टू में कॉलन अगेन ए टू कॉलन ए टू कॉमा ए टू, यही लगाना है आपको फंक्शन। ओके, और ए टू को आपको फ्रीज करना है, F4 से फ्रीज हो जाता है। ओके, आप इसी फॉर्मूला को आप नीचे तक ड्रैग कीजिए, देखिए अब यहाँ पे आपको बता देगा कि राम कितने बार है। अगर मैं राम को सिलेक्ट करूं तो राम कितने बार दिखा देगा, राम है 17 टाइम्स डुप्लीकेट। ओके, उसी तरह मैं अगर मधु को देखूं तो मधु है 13। ओके, तो श्याम देखो तो श्याम सिंगल है। ओके, तो ये हो गया आपका डुप्लीकेट, इसमें निकाल के दे दिया, ठीक है।
अब इसमें आपको एक इफ कंडीशन लगाना है। मैं इसलिए पहले ही बता दिया कि ये थोड़ा जिस लेवल पे कुछ थोड़ा एडवांस लेवल है, जिसको कंडीशन आते हैं, इफ कंडीशन है और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स आपको दिख जाएगा, तो उसके लिए उन्हीं के लिए जो थोड़ा एडवांस लेवल पे एक्सेल पे काम करते हैं, ओके। और बिगिनर्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो मेरा आगे आने वाला वीडियो बहुत सारे होंगे, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे फॉर्मूले, इवन बिगिनर्स के लिए भी मैं कोशिश करूंगा डालने के लिए। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी आप टाइप करके बताइए कि किसी को अगर जरूरत है किस टाइप के फॉर्मूले, या मैं कोई भी फंक्शन टाइप कर रहा हूँ, फंक्शन लिख रहा हूँ, तो उस फंक्शन में आपको कोई ऐसा दिखे कि अंदर का फंक्शन है, उसके बारे में पूछना है कि ये फंक्शन क्या काम करता है, ओके। तो अब कमेंट्स करिए, मैं आपको बता दूंगा। अब क्या है इसमें काउंट इफ वन, अब हम चाहते हैं इक्वल टू इफ कंडीशन लगा, इफ अगर इस काउंटिंग फंक्शन का रिजल्ट जो आता है उसमें अगर ये जो सीरियली वन है इज इक्वल टू वन है, तो अगर वन है तो यही आ जाए डाटा आउट के, नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं के लिए हमेशा ये डबल इनवर्टेड कॉमा होगा 2 टाइम्स, ओके। अब देखिए यूनिक हो गया, पे राम एक ही बार आ रहा है, श्याम एक बार था, ये अब इस तरह का आ रहा है, तो ये यूनिक तो हो गया यहाँ पे, बट हमें सीक्वेंस में कैसे चाहिए, ओके। तो सीक्वेंस के लिए हमें कोई इंडेक्सिंग हो या चाहे वीलुकअप हो उसके थ्रू हम इसको यूनिक करेंगे, सीक्वेंस में करेंगे। फिलहाल इसको हमें उस सीक्वेंस में लाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा इसको, नंबरिंग, ओके। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, सेम इसी फंक्शन को हम नंबरिंग करेंगे, ओके। तो पहला सपोज पहला कोई भी डेटा में से कोई भी है, कोई यूनिक ही रहेगा, वन ही रहने देंगे, ओके। अब दूसरे में अगर ये और एक कंडीशन हो गया, ठीक है, इफ अगर लेन, ऑलराइट, अगर इसका वैल्यू लेन, ओके। लेन क्या करता है मैं आपको पहले बताता हूँ, लेन लेन क्या है, किसी भी सेल सेल वैल्यू जो ब्लैंक हो या फॉर्मूला लगा हुआ जो ब्लैंक सेल दिख रहा है उसको 0 पे काउंट करता है लेन। अगर इसको मैं अगर ये लेन क्या कर रहा है देखिए 0, तो मैं ये यहाँ पे वही टाइप करूंगा मैं, ओके। तो यहां पे मैं करूंगा ये कि इफ अगर इसका वैल्यू, ठीक है, 0 ना हो, या पहले मैं एक काम करता हूं यहां पे, तो ये देखिए जो ब्लैंक आ रहा है उसके बदले में हमें क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और जो नाम आ रहा है उस पे हमें नंबरिंग चाहिए 1 2 3 सीरियल से, ओके। तो इफ काउंट इफ अगर इक्वल टू वन है, ठीक है, इसका इक्वल टू वन है, तो वन है अगर काउंट इफ इसका इज इक्वल टू जो भी फंक्शन निकल के इज इक्वल टू वन आता है आपका यूनिक आता है, तो वन अदरवाइज A3, ओके। ये तो आपका स्टार्टिंग का फॉर्मूला था। अगर इसी पे अगर हम करें इफ लेन क्लोज, अगर इसका लेन वैल्यू अगर 0 है सपोज, तो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा, हमें क्या है नाम के बदले नंबर चाहिए, तो अगर इसका लेन अगर 0 हो तो कुछ भी नहीं, मतलब डबल इनवर्टेड कॉमा, अदरवाइज क्या करें वो सीक्वेंस बनाए एक मैक्स, मैक्स का फंक्शन है मैक्स, मैक्स क्या करता है वो बताता हूँ, मैक्स अगेन B2 प्लस 1 हो जाए, ठीक है।
आपको बताता हूँ कि ये काम क्या करता है। मैक्स मैक्स क्या करता है कि जितने भी नंबर वन पे आ रहा है, वन के बाद अगर कोई सेल रेफरेंस में कोई नंबर नहीं है तो क्या करेगा, जहां तक है वहां तक इसको क्या काउंटिंग करेगा। सपोज मैं अलग से ही बता देता हूँ, वन ये मैक्स, ठीक है। ये हमने दे दिया है के थ्री प्लस वन, ओके। इसको हम कर देते हैं फ्रीज, ओके। देखिए तो ये सीक्वेंस बना रहा है, ओके। मैक्स क्या आता है, मैक्सिमम नंबर लेगा, जितने भी डाटा है उसमें से मैक्सिमम नंबर लेगा, प्लस वन करता जाएगा। पहले उसमें जितने भी टोटल टोटल नंबर होगा उसको प्लस करता जाएगा, ओके। तो यही फंक्शन हमने यहाँ पे यूज करा है। तो इसमें से मैक्स के जो B2 है उसको फ्रीज करना है, ऑलराइट। अब देखिए इसको नीचे तक कॉपी करिए, अब क्या कर रहा है, ये बिल्कुल सीक्वेंस बना रहा है, 1 2 3 4। अमर देखो राम जितने भी आ रहा है बाकी को उसने नल कर दिया, और वन सीक्वेंस आ रहा है। श्याम एक ही था, 2 आ रहा है, ओके। जदु 3, मधु 4, ओके। तो अब हमें करना है यहाँ पे फंक्शन का यूज, ओके। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक सीक्वेंस लगाएंगे, नंबरिक 1 2 3 इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या है, हमारा क्या है, लुकअप वैल्यू क्या है, ये कॉमन है। यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 1 2 3 है, तो उसकी थोड़ा हम इंडेक्स लगा के आराम से ला सकते हैं, ओके। तो हमें क्या करना है, इंडेक्स का फंक्शन लगा देंगे, इंडेक्स इंडेक्स का फंक्शन लगा देंगे। जिसको इंडेक्स आता हो वो इजीली समझ जाएगा, जिसको नहीं आता वो आराम से देखे स्टेप बाय स्टेप, ओके। इंडेक्स क्या है, वीलुकअप की तरह ही काम करता है। इंडेक्स से क्या है, पहले टेबल एरे सेलेक्ट किया जाता है। टेबल एरे क्या है, इसमें ये डाटा वाला है, ओके। फ्रीज कर देते हैं इसको, ओके। फ्रीज करने के बाद आपको क्या करना, करना क्या है, मैच मैच किससे करना है, मैच करना है आपका ये वन से। यहाँ पे सीक्वेंस है, जितने भी सीक्वेंस है वो अपने आप ही सीक्वेंस ले लेगा, इधर कोमा मैच किससे, इससे। फिर ये वाला हेल्पर कॉलम में हमने जो यूनिक नंबर बनाया था वो मैच करना है, कॉमा एग्जैक्ट में 0, ओके। यहाँ आ गया नाम, ओके। हम इसको ड्रैग करेंगे सपोज, तो ये सही यूनिक हो गया, ठीक है। अब ये अगर हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो एरर जहां पे जो जो सीक्वेंस में इसका नंबर से नंबर जो मैच करके जो आपका डेटा दे रहा है ये यूनिक हो गया, पर इसमें एन एन ए आ रहा है तो एन एन ए को भी हटा सकते हैं। एन एन ए के लिए बस कुछ नहीं करना आपको, इफ इफ एरर का फंक्शन है, लास्ट में कुछ भी नहीं चाहिए, ओके। ये आपका यूनिक डाटा आ गया, ओके। अब हम चाहते हैं कि ये सीक्वेंस 1 2 3 ये भी ना हो, है ना। तो करेंगे क्या, इसके लिए हम यार फंक्शन यहाँ पे जो ये डी टू के बदले हम कुछ एक ऐसा फंक्शन लगा दे जो कि ये इसकी जरूरत है, ये एक सेल की भी जरूरत हो ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन है रॉस, रॉस और कॉलम्स। रॉस और कॉलम क्या करता है, आपका यूनिक 1 2 3 बनाता है, 1 2 जितने भी चाहिए आपको यूनिक नंबर बनाता है, सॉरी नंबरिंग करता है फ्रॉम 1 टू जो भी आगे का सीरीज होता है। जैसे रॉस में आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको फिर वही सिलेक्ट करना है एक सेल रेफरेंस, ठीक है। और पहला जो है उसको, पहला जो सेल रेफरेंस है उसको आपको फ्रीज करना है। अब देखिए रो रो नीचे चलता है, ठीक है, ओके।
रोज, एस करना था हमें रोज। ओके, तो देखिए ये सीक्वेंस में आ रहा है 1 2 3 4 5, जो हमें यहाँ पे हमने लिखा था उसी को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम फॉर्म फंक्शन के थ्रू ले सकते हैं। ओके, अगर यही अगर आपका कॉलम्स होता, कॉलम्स का भी बता दूं, सेम वही काम करता है। ये क्या है, वर्टिकल करता है, और ये ओरिजेंटल करता है, वर्टिकल। ठीक है, देखिए सेम चीज कर रहा है। तो हमें क्या करना है, यही फंक्शन हमें वहां लगाना है। ओके, तो यहाँ पे जो D2 था, D2 के बदले हम लगाएंगे CROWS, रोस, वैसा भी आप सेल सेलेक्ट कर दो, कॉलन A2 कॉलन A2। ठीक है, एंटर। इसमें आपका पहला जो सेल है, पहला जो सेल रेफरेंस है उसको फ्रीज करना है, तभी वो सीक्वेंस बना के देता है। अब आप इसको कॉपी करिए। देखिए अब इसकी जो नंबरिंग हम डाल रहे थे, इसकी जरूरत ही नहीं है इसके लिए, है ना, इसको हटाई देंगे। ओके, अब देखिए सिंपल सा एकदम से यूनिक फंक्शन हो गया। तो आपको मैं एक बार दिखा भी दूं कि क्या फंक्शन क्या लगाया है मैंने। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ओके, अब हम ये हेल्पर कॉलम को हाइड कर देंगे। ओके, अब देखिए हाँ, अब मैं आपको आप लिखिए कुछ भी, जो भी लिखेंगे यूनिक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी एक 0 आ रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, 0 क्यों आ रहा है, यहाँ 1, यहाँ हार्ड कोड 1 दिया है हमने, तो यहाँ पे एक 1 के बदले हम इस तरह का फंक्शन बना सकते हैं, इफ लेन, अगर ये 0 है तो कुछ भी नहीं, 0 है ब्लैंक है तो, या ब्लैंक ही दे सकते हैं, इज इक्वल टू काउंट इज ब्लैंक, अगर ये सेल ब्लैंक है तो इफ, सॉरी, इफ इज ब्लैंक, अगर ये सेल ब्लैंक है तो कुछ भी नहीं चाहिए, अदरवाइज 1 है। ठीक है, आप ये 0 और गया देखिए। आप कुछ भी बना सकते हैं, आपको सपोज कंटेनर नंबर बनाए, है ना, तो सीएफए सर्विस इंडस्ट्री में हो, लॉजिस्टिक में हो तो कंटेनर ही दिखता है, तो कंटेनर बनाते हैं हम, कोई भी कंटेनर सीक्वेंस बना देंगे। उसके लिए रैन बिटवीन, आपका रैन बिटवीन के थ्रू बनाएंगे, रैन बिटवीन आप देख लीजिएगा, बड़ा ही सही चीज है। कोई भी अगर आप अमाउंट कुछ भी बनाना हो, सपोज आ रहे NBD रैन बिटवीन। ओके, तो रैन बिटवीन से क्या करता है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर जो आप डालिए इसमें, तो यूनिक नंबर बना के दे देगा, रैंडम रैंडम नंबर। ओके, सपोज यहाँ पे 5,000 10 लाख दीजिए। ओके, हमें नंबर मैं कंटेनर बना रहा हूँ तो इसमें 7 ही दूंगा, 1 2 3 4 जो भी है, और इधर 9 9 9 9 9 इस तरह का दूंगा, तो उतने उतने नंबर के अंदर जो भी है वो डाटा बना नंबरिंग करके दे। ठीक है, देखिए नंबरिंग करके दे रहा है। ओके, अब इसी को मैं अगर वो कुछ कंटेनर नंबर कुछ तरह का डाल सकता हूँ, या मैं इसी को ही कॉपी कर दूं, वैल्यू हटा दो, तो अगर मैं यूनिक है तो देखो यूनिक बना रहा है धीरे धीरे, ये अपने आप ही यूनिक करके दे देगा। ठीक है, और सपोज मैं कोई कंटेनर नंबर बनाता हूँ, उसमें अगर इसमें मैं अगर जोड़ दूँ एंड कंटेनर नंबर जोड़ दूँगा, कोई भी सुडो NSKU, ठीक है, ये आपका कंटेनर नंबर हो गया। ओके, अब कंटेनर नंबर, अब यही अब यूनिक है, तो देखिए अब मैं यूनिक इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। ओके,
जहां जहां डुप्लीकेट हो रहा है वहां वहां वो यूनिक कर रहा है यहाँ पे। ओके वेरी सिंपल है, पूरा में अगर यूनिक ही ज्यादा कर दो, देखो यहाँ पे तीन ही यूनिक है, 76, 58 और 34, तो यहाँ ले लिया आपका 76, 54 और 34, ये तीन कंटेनर ही इसमें यूनिक है। तो इस तरह का एक बड़ा फंक्शन बनाइए आप, है ना, जो कि मैं भी करके रखा हुआ है, आराम से इधर कुछ भी डेटा डालो यूनिक आ जाएगा तुरंत, ना कोई फंक्शन लगाने का झंझट, ना कोई वैल्यू कंडीशन वर्डिंग लगाने का झंझट, एक ही साथ आपको यूनिक निकल के आ जाएगा। ओके तो है ना, बढ़िया चीज है। इसमें फिर और एक चीज कर सकते हैं कि अगर आपको डुप्लीकेट कितना है ये पता कैसे, सपोज आपको डुप्लीकेट वैल्यू निकालना है, डुप्लीकेट कितना है यहाँ पे, तो ये भी सब काउंट इफ के थ्रू आप निकाल सकते हैं कि कितना कितना डुप्लीकेट कितना है। तो ये सिलेक्ट कर लिया आपने डेटा, ओके फ्रीज कर दिया, आपको ये पहला वाला जो यूनिक है 76 वो कितना है, डुप्लीकेट कितना है, तो ये सिंगल है, सिंगल दिखा रहा है, ये 17 टाइम्स डुप्लीकेट है, ये 34 टाइम्स, तो ये वन टाइम डुप्लीकेट है 34, ठीक है, मतलब सिंगल सिंगल है, ये जो 34 दिखे यहाँ पे सिंगल वन टाइम ही आ जाए, दो करीब दो टू टाइम्स ही आ जाएगा। ओके तो इस तरह से एक डायनेमिक फंक्शन बना सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू के लिए, जो यूनिक एक्सट्रैक्ट करना है आपको डाटा में से। तो कैसा लगा फ्रेंड्स, जरूर शेयर और लाइक कीजिए ताकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलते रहे, कि आप लोगों के थ्रू की मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं इस तरह का वीडियो बनाता रहूं, आपको सिखाता रहूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी मेरा बनाया हुआ या मेरा सिखाया हुआ फंक्शन यूज करे, है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, मैं ऑफिस में भी ऐसा ही करता हूँ, सिखाते रहता हूँ जितना पॉसिबल हो, तो अच्छा लगता है कोई सीखे अगला, उनको कोई यूजफुल हो अपने काम के लिए। ओके तो फंक्शन एक्सेल फंक्शन ऐसा चीज है जो कि आपको सीखना चाहिए और अपने काम को बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हो ना, तो खुद के लिए भी अच्छा है, सिखाओ दूसरों के लिए भी अच्छा है ना, तो काम तो काम ही है, अकाउंट्स में हो या ऑपरेशन में हो किसी भी चीज में, अपना काम तो हर कोई जानता ही है, एडिशनल कुछ चीजें जानना चाहिए, है ना। तो आज की डेट में एक्सेल बहुत ही ब्रॉड लेवल का सॉफ्टवेयर की तरह, ये सॉफ्टवेयर ही है एक तरह का, अभी तो माइक्रोसॉफ्ट टीम ने भी एक्सेल को पूरा 100% 100% प्रोग्राम के रूप में इसको सर्टिफाइड कर दिया है, पूरा 100% प्रोग्रामिंग कर सकते हो एक्सेल में। तो वैसे भी ऑलरेडी एक्सेल काफी सालों से नॉन स्टॉपेबल चल रहा है, कोई भी रिपोर्ट बड़े रिपोर्ट चाहिए आपको एक्सेल के बिना कोई काम ही नहीं होता, किसी भी लेवल पे आपको बिना एक्सेल का कुछ चीज होता ही नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को, तो फ्रेंड्स देखते रहिए मेरे वीडियो को और मजे लेते रहिए फॉर्मूले का। तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मुझे कुछ कमेंट्स लिखिए, जो ना समझ में आया वो मुझे जरूर बताइए, जो समझ में आया वो भी बताइए, मुझे अच्छा लगेगा कि कोई देख रहा है सीख रहा है। ओके तो थैंक यू वेरी मच, मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर करना नया वीडियो मेरा, ताकि कुछ लोगों तक तो पहुंचे। ओके और शेयर भी कीजिए, थैंक यू वेरी मच।